गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आर टॉपिक इज आर नेबरहुड, क्लास सेकेंड, चैप्टर नंबर 9। सो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के नेबरहुड मींस पड़ोसी लोगों के बारे में। द एरिया अराउंड आर हाउस इज नोन एज अ नेबरहुड। जो हमारे आसपास का एरिया होता है, हमारे हाउस के आसपास के घर के आसपास का जो एरिया, उसको हम नेबरहुड कहते हैं। द पीपल लिविंग इन द नेबरहुड आर आर नेबर्स। जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको हम पड़ोसी कहते हैं। अ गुड नेबरहुड हैज़ ऑल इम्पोर्टेंट प्लेस एंड सर्विस दैट मेक आर लाइफ कंफर्टेबल। एक अच्छा पड़ोसी जिसमें ऑल इम्पोर्टेंट प्लेसेस, अच्छी जगह, अच्छी सेवाएं हों, तो वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना देता है। लेट अस लर्न अबाउट सम प्लेसेस इन आर नेबरहुड। चलो हम अपने नेबरहुड में जो भी कुछ प्लेसेस नेसेसरी हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ अ स्कूल। अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू रीड, राइट एंड लर्न। अ स्कूल हैज़ मैनी टीचर्स, दे टीच अस मैनी गुड थिंग्स, वी शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट आर टीचर्स। वी सेलिब्रेट टीचर डे ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर टू ऑनर आर टीचर्स। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पढ़ना, लिखना और याद करना सीखते हैं। स्कूल में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स होते हैं जो हमें अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं। हम उन चीज़ों को, उनका, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका कहना मानते हैं। वी सेलिब्रेटेड, ये जो टीचर्स डे है ये 5 सितंबर को हर साल टीचर्स को मान देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट प्लेस इज़ अ मार्केट। एवरी नेबरहुड हैज़ अ मार्केट। अब मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय थिंग्स, देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। वी बाय थिंग्स लाइक ब्रेड, राइस, शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट, बुक्स, क्लोथ्स, मेडिसिन एंड स्वीट फ्रॉम दीज शॉप। हर नेबरहुड जो है, पड़ोसी नेबरहुड में, मतलब हमारे पड़ोस में एक मार्केट होती है। मार्केट, बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कुछ थिंग्स, कुछ चीज़ें खरीदते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें शॉप्स होती हैं, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, बाज़ार में कई शॉप्स होती हैं। उसमें से हम क्या, उन शॉप्स में से हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गए, राइस, चावल हो गए, शुगर, चीनी, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट, फल, बुक्स, किताबें, क्लोथ्स, कपड़े, मेडिसिन, दवाइयाँ एंड स्वीट्स, मिठाइयाँ फॉर द शॉप्स। इन शॉप्स से हम काफ़ी कुछ खरीदते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर द सिक एंड इंजर्ड आर ट्रीटेड एंड टेकन केयर ऑफ द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ डॉक्टर एंड नर्सिस राउंड द क्लॉक। अब हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब हम बीमार होते हैं या हम जख्मी होते हैं तो हम अपना ट्रीटमेंट के लिए या अपनी संभाल के लिए, हॉस्पिटल में हमारी संभाल के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारी केयर की जाती है और हमें सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं डॉक्टर की तरफ से और नर्सिस की तरफ से, जो कि हमारे इर्द गिर्द क्लॉक की तरह घूमते हैं और हमारी केयर करते हैं जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। नेक्स्ट है बैंक। अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू डिपॉजिट देयर मनी। नाउ अ डेज बैंक्स हैव ATM फैसिलिटीज थ्रू विच वन कैन द विड्रॉ मनी एनी टाइम एंड एनीवेयर। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपनी मनी को डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं। इन दिनों में, नाउ अ डेज बैंक हैव ATM फैसिलिटीज़। आजकल के टाइम में बैंकों में ATM फैसिलिटीज़ भी हैं जिसके थ्रू हम अपनी मनी
निकाल सकते हैं। कहीं पे भी अगर हम सपोज करो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है तो वहाँ पे भी हम अपनी एटीएम के थ्रू मनी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। अ पोस्ट ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय पोस्ट कार्ड इन्वॉल्व्स इन द लेटर एंड स्टैम्प्स। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम क्या खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड्स इन्वेल्प्स एंड लेटर्स स्टैम्प। वी ड्रॉप द लेटर इन द रेड कलर बॉक्स नाउ। ये तो हमें पता ही है कि पोस्ट ऑफिस में हम ऐसी जगह है जहाँ से हम पोस्ट कार्ड इन्वॉल्व्स खरीदते हैं, और लेटर्स जब हम डालने होते हैं तो कहाँ पे डालते हैं, रेड कलर के बॉक्स में, लेटर बॉक्स जिसको कहते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर्स एंड ब्रिंग देम टू डिफरेंट प्लेसेस। पोस्टमैन जो है डाकिया इन लेटर्स को कलेक्ट करता है और डिफरेंट प्लेसेस में देने जाता है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। द पीपल लिविंग इन द नेबरहुड आर आर डैश। जो लोग हमारे आसपास पड़ोस में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नेबर कहते हैं। वी सेलिब्रेटेड टीचर डे ऑन डैश। हमने जैसे लास्ट पढ़ा ही है कि टीचर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर। वी ड्रॉप द लेटर इन अ डैश कलर्ड बॉक्स। हम अपने लेटर्स लिख के कहाँ पे ड्रॉप करते हैं, रेड कलर के बॉक्स में। नेक्स्ट पुलिस स्टेशन। एवरी नेबरहुड हैज़ अ पुलिस स्टेशन। हर नेबरहुड में पुलिस स्टेशन होता है। पुलिसमैन हेल्प टू मेंटेन पीस, दे प्रोटेक्ट अस। पुलिसमैन हेल्प करता है शांति बनाए रखने में और बचा के रखता है हमें, इसमें हमें बचाता है। दे ऑल्सो कैच द थीव्स। पुलिस हमेशा हमारी हमें बचाता है चोरों से। दे ऑल्सो कैच द थीव्स, चोरों को पकड़ते हैं ये। ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड। अब जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो क्या करते हैं, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि रेड लाइट में 3 सिग्नल होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो येलो पे वो हमें रुकने के लिए बोलते हैं, ग्रीन पे जाने के लिए, येलो पे वेट करने के लिए, रेड पे रुकने के लिए और ग्रीन पे जाने के लिए हमें साइन करते हैं, उसको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। हमारे कुछ इमरजेंसी नंबर हैं, जब हम पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करेंगे तो 100 नंबर पे करेंगे। अगर हमने फायर स्टेशन से हेल्प के लिए हेल्पलाइन लेनी है तो हम 101 पे कॉल करेंगे। अगर हमने सपोज करो एम्बुलेंस बुलानी है, किसी को इमीडिएट कुछ हो जाता है, तो उसके लिए 102 नंबर पे हम कॉल करेंगे तो उसको मेडिकल हेल्प मिल जाएगी इमीडिएटली। नेक्स्ट है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड। फायर स्टेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है नेबरहुड की। इन केस ऑफ फायर द रेड कलर्ड फायर ब्रिगेड रश टू द स्पॉट विद। फायर स्टेशन एक बहुत बढ़िया सर्विस है हमारे नेबरहुड की। इन केस ऑफ फायर, जब कभी भी हमारे घर में या हमारे आसपास फायर आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर सकते हैं 101 पे, और टू स्पॉट द वो हमारी स्पॉट के लिए हमारे पास आ जाते हैं। फायरमैन यूज लैडर्स एंड वाटर पाइप्स टू पुट ऑफ द जॉब ऑफ फायरमैन इज़ वेरी रिस्की। अब जो फायरमैन है उसकी जॉब बहुत रिस्की है, मुश्किल है। फायरमैन क्या करता है, वाटर पाइप्स यूज़ करता है और पानी से आपको बुझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है पार्क। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग। मैनी पीपल्स टेक अ वॉक एंड enjoy फ्रेश एयर। चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे पार्क में शाम को खेलते हैं, काफ़ी लोग वॉक करते हैं, सैर करते हैं और ताज़ी हवा
का इंजॉय करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आर नेबरहुड, हम अपने नेबरहुड की केयर कैसे कर सकते हैं, संभाल कैसे कर सकते हैं। वी मस्ट कीप आर नेबरहुड नीट एंड क्लीन, हम अपने नेबरहुड को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, साफ़ और सुथरा रखना चाहिए हमें। नेबर्स मस्ट नॉट डू एनीथिंग दैट डिस्टर्ब अदर्स, नेबर्स जो हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू मेक आर नेबरहुड ब्यूटिफुल बाय द प्लांटिंग ट्रीज, अब हम अपने नेबरहुड को कैसे सुंदर बना सकते हैं, तो हम अपने नेबरहुड को ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाकर क्या कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है आ स्कूल हैज़ मैनी डैश, स्कूल के ऑप्शन बेटा स्कूल में क्या होते हैं ज़्यादा, टीचर्स होते हैं, डॉक्टर, शॉप्स या टीचर, तो हम टीचर पे क्लिक करेंगे। सेकंड है विच वन प्रोवाइड अस एटीएम सर्विस, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, एटीएम सर्विस बैंक से मिलती है। थर्ड है वी गो टू स्कूल फॉर डैश, हम स्कूल में क्या करने जाते हैं, लाफिंग, स्लीपिंग या लर्निंग, लाफिंग होता है हंसना, स्लीपिंग होता है सोना और लर्निंग होता है सीखना, तो हम स्कूल में सीखने के लिए जा रहे हैं। वी बाय पोस्ट कार्ड इन वर्ब्स एंड स्टैम्प फ्रॉम डैश, हम पोस्ट कार्ड खरीदते हैं कहाँ से, पोस्ट ऑफिस से, हॉस्पिटल से या बैंक से, तो इसका आंसर आएगा पोस्ट ऑफिस। व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर टू कॉल द फायर स्टेशन फॉर हेल्प, फायर स्टेशन का हेल्प के लिए नंबर क्या है, नंबर है 101। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, द एरिया अराउंड आर हाउस इज नोन एज अ डैश, हमारे आसपास का जो एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड। पीपल बाय थिंग्स फ्रॉम डैश, पीपल कहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, तो वो मार्केट से खरीदते हैं। द सिक एंड इंजर्ड आर ट्रीटेड इन डैश, जो बीमार और ज़ख्मी होता है उसको कहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए ले जाते हैं हम, हॉस्पिटल। डैश यूज़ लैडर्स एंड वाटर पाइप्स टू पुट द पुट ऑफ द फायर, लैडर्स और वाटर पाइप यूज़ किए जाते हैं फायर को बुझाने के लिए, तो वो कौन यूज़ करता है, फायरमैन। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, वी कैन बाय थिंग्स फ्रॉम बैंक्स, हम चीज़ें खरीदते हैं बैंक से, नहीं क्रॉस, क्योंकि हम चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से। पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स, लोग जो हैं अपनी मनी बैंक्स में रखते हैं, ट्रू। चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड इन द इवनिंग, लोग बच्चे जो हैं रोड पे शाम को खेलते हैं, नहीं बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो ये क्रॉस है। अ टीचर टीच इन अ पोस्ट ऑफिस, टीचर पोस्ट ऑफिस में टीच नहीं करता, वो कहाँ करता है, स्कूल में, तो ये भी क्रॉस। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 110 एज अ कॉमन हेल्पलाइन नंबर, क्रॉस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बच्चे ये आपने चैप्टर रीड कर लिया, इसके मैंने एक्सरसाइज करवा दी है, तो आपने ये अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू, हैव अ